नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होते हुए नजर आ रही हैं। बताते चले आपको कि लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही लोकसभा चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और एक बार फिर 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। बताते चले आपको कि मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा के मैदान में ऐतिहासिक सभा करने की तैयारी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व आम लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के कार्यों की जो उपलब्धि रही है उससे लोग उत्साहित है। गरीबों को मुफ्त अनाज हो, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, या भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का सम्मान निधि हो, या इन सबसे समाज के सभी वर्गों के लोगों में जनसभा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कुढ़नी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभा में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कई गांवों में जनसंपर्क किया, लोगों से सभा में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का अपील की। उन्होंने कहा कि अमित शाह की सभा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। पताही हवाई अड्डा परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री की सभा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सैकड़ों मजदूर दिन रात सभा के लिए मंच निर्माण व बैरिकेडिंग बनाने में लगे हैं। इस बीच भाजपा के कई नेता सभा स्थल पर पहुंच कार्य का जायजा ले रहे हैं। गुरुवार को मंच, ग्रीन हाउस, बैरिकेडिंग आदि दुरुस्त की गई। सभा के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे, इसकी तैयारी पूरे पुरजोर तरीके से की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कमी न हो। लोकसभा के मद्देनजर देखते हुए अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। इस बिहार दौरे को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।